हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो ये ऐसी रेंडमली मैंने बनाया था, पर ये बहुत टेस्टी बना, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए एक पैन पे ऑयल गरम करेंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। उस पे मिर्च ऐड करेंगे, फिर प्याज डालेंगे, देन प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे अच्छे से। उसको चलाने के बाद जब प्याज सॉफ्ट, नमक डालेंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है नमक डालने की वजह से। तो उसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को फ्राई करेंगे, वो सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए। बस उसको 2 मिनट फ्राई करेंगे और वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो गया है टमाटर। अब हम इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज और कैप्सिकम, टमाटर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो इस पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। इस टाइप की सब्जी इस पे ऐड कर देंगे, फिर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। और ये 2 मिनट इसको फ्राई करके मैंने इसको ढक दिया था और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम देखेंगे। इसमें मैंने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो इसको थोड़े देर के लिए हम 2 मिनट पकाएंगे और फिर ये अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें अब हम अपना मसाला ऐड करेंगे। ये है जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर, और मैंने 1.5 चम्मच लिया है। ये इंडियन ब्रांड का मिक्स मसाला है, ये 1 चम्मच लिया। और लाल मिर्च, आप जितना भी आपको तीखा पसंद हो उतना लाल मिर्च ले लें। और फिर इसमें लाल हल्दी हल्दी ऐड करेंगे और लाल कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर लिया है इसमें। नमक थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हमने मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। और मसाला जब भी आप इसमें डालें, ध्यान रखें आपका फ्लेम हमेशा लो पे होना चाहिए। यह हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है 2 मिनट फ्राई करने के बाद। फिर मैं इसमें अपने मटर डाल दूंगी। ये फ्रोज़न मटर थे, या फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने लास्ट में डाला। तो इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें अब हम दही ऐड करेंगे, जो कि मैंने फेटा हुआ है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालो, अदरवाइज़ आप नहीं भी डाल सकते हो। मेरे पास था तो मैंने 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर दी अच्छे से फेट के। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। देख रहे हो कलर कितना अच्छा आता है। तो मैंने हल्का सा चीनी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा जो मिठास वाला सब्जी बनता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने गर्म पानी में अपने भुने हुए पनीर को डाल रखा था ताकि पनीर मेरे सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको हम डाल देंगे अपने सब्जियों के साथ, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करेंगे हल्का सा ढक के ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पनीर। हमारा पनीर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था और इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, मैं आपको नहीं बता सकती, इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। तो अब हम इसमें काजू, मैंने इतना छोटा छोटा चॉप्ड कर लिया था, तो वो डाल देंगे। ये काजू ऐसे डालने का एक फ़ायदा है, जब आपके मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा सा क्रंची फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने पीस के नहीं डाला, ऐसे डाला। मैंने बोला ना मैं ये रेंडमली बना रही थी और ये बहुत अच्छा बन गया था, तो मैंने इसके लिए आपके साथ शेयर कर लिया। और ये वही पानी है जिसमें मैंने पनीर को रखा था ताकि वो सॉफ्ट हो, तो मैंने उसको ही रखा। और फिर इसको अच्छे से चलाने के बाद ढक देंगे और ये हमारा पनीर की सब्जी रेडी है। और ये बिलीव नहीं करेंगे आप, इतना टेस्टी बना था। मैंने इसको फ्रिज में रख के 2